सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं सोचता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपको पता होगा मैं कल फ्लिपकार्ट का एक पोको डे सेल आया था, उसके बारे में एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज जब मैं उसको चेक किया तो वो ऑफर नहीं था। और उसके बाद मैं कस्टमर केयर को कॉल किया और उसके बाद जो जो हुआ वो सभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और फ्लिपकार्ट हमारा सभी के साथ ऐसा जो चीटिंग कर रहा है, क्या ये सही है या गलत है, आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आपने इस वीडियो को पूरे शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक एंड आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टार अभिषेक टेक्निकल। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको पूरे शुरू से बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या हुआ है। मैं कल फ्लिपकार्ट डिस्काउंट ऑफर फॉर पोको एक वीडियो बनाया था और उसी वीडियो पे बताया था कि पोको डेज का एक ऑफर आया था जहाँ पर पोको फोन में बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा था। और वो ऑफर 3 दिसंबर से शुरू हो गया था और 6 दिसंबर तक चल रहा था, लेकिन आज है 4 दिसंबर, लेकिन आज वो ऑफर फ्लिपकार्ट ने उसको रिमूव कर दिया, उसको टोटली हटा दिया। और मुझे कैसे पता चला, आज सुबह जब मैं मेरा यूट्यूब चैनल को चेक कर रहा था तो अब इसी वीडियो का नीचे एक कमेंट आया था कि ब्रो अभी कहाँ चल रहा है पोको डे सेल, वो तो ऑफर शो नहीं कर रहा है, इस तरह एक कमेंट आया था। और मुझे लगा कि फ्लिपकार्ट में तो था और मैं भी एक बार चेक कर दिया, लेकिन पोको डे सेल वहाँ पर नहीं था, उसको टोटली फ्लिपकार्ट ने रिमूव कर दिया था। लेकिन पहले क्या लिखा हुआ था कि 3 दिसंबर से शुरू होगा और 6 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन आज तो है 4 दिसंबर, लेकिन ये ऑफर कहाँ गया। और उसके बाद अभी 1-2 घंटे पहले एक कमेंट आया था कि नो ऑफर वीडियो डिसलाइक, यानी इस वीडियो में डिसलाइक टोटल 0 था और इसी भाई ने इस वीडियो को डिसलाइक कर दिए। और मैं सोचा कि सभी के मन में इसी तरह कुछ डाउट आ रहा होगा, इसलिए ये वीडियो को फ्रेंड्स बना रहा हूँ। और जो पोको डेज आपको जो यहाँ पर बैनर मिल रहा था वो भी टोटल यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने ऐसा रिमूव कर दिया, लेकिन मुझे एक बात अभी तक भी पता नहीं चलता है, लेकिन फ्लिपकार्ट ऐसा क्यों करता है? फ्लिपकार्ट के पास तो बहुत ही अच्छा खासा ऑडियंस है और वो ऐसा फेक सेल क्यों करता है? पहले दिखाई देता है 3 दिसंबर से 6 दिसंबर, लेकिन आज है 4 दिसंबर और वो ऑफर को टोटली रिमूव करता है। और ये सभी फोन जो डिस्काउंट में मिल रहा था, ये सभी फोन का जो प्राइस कार्ड मिल रहा था और वो फिर से जैसा पहले का प्राइस था उसी तरह प्राइस फिर से इंक्रीज होता है, लेकिन ऐसा फ्लिपकार्ट क्यों करता है? अगर फ्लिपकार्ट का जो भी बंदे देख रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहूँगा आपके पास तो ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा है, आप इसी तरह मत कीजिए। और मुझे भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि इसी तरह मैं कमेंट दिखा, मुझे कि क्या पता था कि फ्लिपकार्ट ऐसा करेगा। और मुझे पोको डे ऑफर अच्छा लगा था इसीलिए आपके लिए वीडियो बना दिया था, लेकिन फ्रेंड्स मुझे भी पता नहीं था कि ऐसा हो जाए। और भी मेरे मन में और भी एक डाउट आया, क्या ये सिर्फ मेरे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे दिखा रहा था ना सभी का दिखा रहा था? और इसी को मैं कंफर्म करने के लिए यूट्यूब में सर्च भी कर दिया पोको डे सेल, तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वीडियो मेरे सामने आ गया। देखिए 1 डे पहले सभी वीडियो था और यहाँ पर है मेरा वीडियो, देखिए फ्रेंड्स। लेकिन फ्लिपकार्ट को ऐसा करना नहीं चाहिए था, वो पहले से सोच समझ कर ये जो ऑफर को लाना चाहिए था। और मैं फ्लिपकार्ट को टैग करके एक ट्वीट भी किया था, लेकिन उनके तरफ से मुझे कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, आज सुबह सुबह मैं फ्लिपकार्ट का कस्टमर केयर को भी कॉल किया था, एक बार नहीं 2-3 बार कॉल किया था देखिए, और बहुत ही लंबे टाइम तक यहाँ पर बात भी हुआ। 11:23 AM पे मैं कॉल भी किया था, देखिए यहाँ पर कॉल भी किया था, एक कॉल नहीं 2-3 बार भी कॉल किया था, लेकिन उन्होंने क्या बोला आपको वो भी थोड़ा सुनाता हूँ। तो सुनो सुनो उसका कॉल रिकॉर्डिंग थोड़ा सुनो। जी, मैं सुषमा बोल रही हूँ फ्लिपकार्ट से। जी, और ये कॉल आपकी कॉल में बैक रिगार्डिंग की गई है, सर आपका नाम एक बार कंफर्म कर लीजिए। मेरा नाम अभिषेक। जी धन्यवाद अभिषेक आपका नाम कंफर्म करने के लिए, क्या ये सही से मैं आपसे तो बात करने के लिए? जी, फ्लिपकार्ट में कल एक ऑफर चल रहा था पोको डेज, वो 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक था, लेकिन अभी जब मैं चेक किया आज वो नहीं है, वो नहीं दिखा रहा है कि ऑफर। जी सर, कौन सा ऑफर बता रहे हैं? ऑफर का नाम था पोको डेज, वो सिर्फ पोको कंपनी का जितने भी तेरे फोन है उसमें डिस्काउंट मिल रहा था, किसी फोन में 1,000-1,500 इसी तरह। और आप बता रहे कि अभी तक मतलब आज तक था? जी आज वो नहीं दिखा रहा है, वो तो 6 दिसंबर तक था, लेकिन आज जब मैं चेक किया। और उसके बाद मुझे बोले कि थोड़ा लाइन पे होल्ड में रहने के लिए। लेकिन होल्ड का टाइम फ्रेंड्स आपको पता है, मुझे 4-5 मिनट यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने होल्ड में भी रख दिया, देखिए ये नंबर आपको दिखाता हूँ, इतना ज्यादा टाइम मुझे होल्ड में भी रख दिया, देखिए कितना ज्यादा टाइम मुझे होल्ड में रख दिया, 5 मिनट होल्ड में रख दिया मुझे। चेक करवाई थी आपका 30 अक्टूबर से आपका 4 नवम्बर तक था, और यहाँ पे जो आपका था कि आपको एक देखिए कोई दूसरा ऑफर बता रहे हैं। और ये कस्टमर तो ऐसा बोला, और भी कस्टमर केयर को फिर से कॉल लगाया, उन्होंने बोला कि जून महीने में एक ऑफर था, और उसके बाद में फ्रेंड्स कॉल को काट दिया। और उस मुझे लगा कि इनको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मैं फ्लिपकार्ट 2-3 साल से यूज कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा
फेक सेल नहीं हुआ था, जो सेल जितना दिनों तक दिखा रहा था उतना दिनों तक हो रहा था। लेकिन इसी बार फ्लिपकार्ट ने ऐसा क्यों किया वो तो मुझे पता नहीं है, पर फ्लिपकार्ट को भी मैं एक ट्वीट कर दिया, उनके तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। अगर फ्लिपकार्ट का जो भी बंदे देख रहे हैं, आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप कभी भी ऐसा फेक सेल मत कीजिए, अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं आपको क्या ही बताऊँ, जो वीडियो को मैं आज बनाने वाला नहीं था, लेकिन ये दो एक दो कमेंट देखने के बाद मुझे लगा कि चलो सभी का मन में इसी तरह कुछ डाउट आ रहा होगा, इसलिए ये जो वीडियो बनाने के लिए इसलिए आपके लिए इस वीडियो को बना दिया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आपको इस वीडियो आज कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने एक एक लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए एक लाइक तो बनता है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स क्या कर रहे हो, ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसी को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, और उसके पास में जो बेल आइकन है उसी को दबा के ऑल कर दीजिए, क्योंकि जो जो वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।